उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और परेशानी इस बात को उनको लग रही थी कि यह प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर अब देखिए इतनी बड़ी बात आप उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ है। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, ठीक से तकनीकी कारणों के चलते आवाज़ नहीं मिल पा रही है। बता दें आपको, नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष चुनाव में 368 वोट पड़े नितिन अग्रवाल को, जिसमें से 304 वोट मिले, और SP यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले हैं। अब देखिए इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मांग रहे उम्र में बड़े हैं और नहीं, सही मैं बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी, और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। नहीं तुम्हारे यहाँ पे जो बलिया के मान्य सदस्य हैं उनसे मैं कहूंगा सुरेंद्र सिंह, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से महोदय चुनाव यहाँ पे संपन्न हुआ है। और मैं देख रहा था स्वाभाविक रूप से दलीय आग्रह भी और पूर्वाग्रह भी हर एक जगह हावी रहते हैं और उनको व्यक्त करने का एक माध्यम भी सदन मिलता है। जब आमने सामने बैठ करके दोनों ओर के सदस्य अपनी बातों को कह देते हैं, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा था सुबह जिसने 23 में नेता विरोधी दल यहां आए थे, लेकिन बाद में जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उनको परिणाम तो मालूम ही था कि परिणाम क्या होने जा रहा है, अगले 2022 का विधानसभा का भी परिणाम क्या होने जा रहा है, इसलिए यहां छोड़ करके चले गए थे। बाद में उनके देखा देखी मैं भी चला गया था, क्योंकि हो सकता है मेरे रहने पर वह खन्ना जी से गुफ्तगू न कर पाए, कोई बातचीत न कर पाए, तो मैंने कहा अपनी बातचीत कह सकें। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हो गई और उनके द्वारा अधिकृत जो मान्य सदस्य यहां पर काउंटिंग देख रहे थे, जब उन्होंने बताया कि परिणाम तो गड़बड़ हो गया है, जो अपेक्षित था, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि मतगणना में धांधली हुई है। वो हमेशा की तरह तो ये कहे कभी, क्योंकि यहां ईवीएम नहीं था, अगर ईवीएम होता तो तब तो फिर लेकिन परंपरा और मर्यादाएं इन सब का पालन सभी के लिए आवश्यक भी है। युवा चेहरा आना चाहिए था, मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी भी इसको पसंद किए होंगे कि एक युवा और अनुभवी सदस्य
पहली बार नहीं है, तीसरी बार वो माननीय विधायक बने हैं और उनके अनुभव का लाभ सदन को प्राप्त होगा, माननीय अध्यक्ष जी के